पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ज्ञानवर्धक पुस्तकें नहीं हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित प्राधिकरण कार्यालय पर एक आधुनिक लाइब्रेरी को स्थापित किया गया है, जहां पर जेईई, नीट, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एलएलबी, पीसीएस जे जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस लाइब्रेरी में पहुंचकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद के युवाओं के लिए इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, ताकि युवा पैसे के अभाव में अच्छी पढ़ाई से दूर ना रहें। उनके द्वारा प्राधिकरण की इस लाइब्रेरी में ज्ञानवर्धक उस हर पुस्तक को उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो युवाओं को उनके सपने तक पहुंचाने का काम करी। प्राधिकरण उपाध्यक्ष की इस पहल को लेकर मुरादाबाद के युवाओं में खुशी का माहौल है, और इस पहल को लेकर मुरादाबाद की आवाम इस पहल की प्रशंसा भी कर रही है। बुधवार को प्राधिकरण की लाइब्रेरी पहुंचे मुरादाबाद के एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा लाइब्रेरी को 250 से अधिक ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेंट की गईं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय की लाइब्रेरी पहुंचे महानगर के ही रहने वाले हरीश अरोड़ा का ये कहना है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ये पहल ऐसी पहल है जिसके द्वारा हर घर से रोशनी की किरण हमारे देश में एक नया सवेरा लेकर आएगी, क्योंकि पैसे के अभाव में ऐसे कितने ही युवा हैं जो अपनी तैयारियां नहीं कर पाते, लेकिन प्राधिकरण इस लाइब्रेरी से वे आकर निशुल्क ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मुरादाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी हरीश अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने अपने पुत्र की याद में ये 250 से अधिक पुस्तकें इस लाइब्रेरी को दान दी हैं, और वे चाहते हैं कि इन पुस्तकों के द्वारा हमारी नई जनरेशन अपने ज्ञान को और बढ़ाने का काम करे, मुरादाबाद के साथ साथ देश का नाम रोशन करें। हरीश अरोड़ा द्वारा बताया गया कि उनके बेटे द्वारा पीएचडी की तैयारी को किया जा रहा था, लेकिन 2019 में उनके बेटे का स्वर्गवास हो गया। उनके बेटे ने जो किताबें एकत्रित की थी, वे सभी किताबें इस लाइब्रेरी को दान कर रहे हैं। मैं मेरे को प्रदीप जी के द्वारा पता चला कि यहाँ एमडीए कार्यालय में एक लाइब्रेरी का संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है, जो कि वीसी साहब के ने यहाँ पर इसका निर्माण कराया, इस रूम को जो है तो लाइब्रेरी के लिए दिया, और वीसी साहब का भी बहुत धन्यवाद, और प्रदीप वाशने जी का भी बहुत बहुत मैं आभार कहूँगा कि इन्होंने मुझे ऐसा बताया कि यहाँ पर एक वो लाइब्रेरी का संचालन कर रहे हैं। तो मेरे पास में मेरे बेटे की कुछ बुक्स पढ़ी थी, जिसकी लगभग 250 हैं। मेरा बेटा 12th से लेकर के पीएचडी तक जो उसने अपना कोर्स करा, पीएचडी मियामी यूनिवर्सिटी वो पढ़ने के लिए गया, और उसकी कुछ बुक्स थी मेरे पास लगभग, जिनकी 250 गिनती होगी, काउंटिंग होगी। वो मेरे को वाचने जी के लिए मेरे को अच्छा लगा, इनके द्वारा जो मुझे मिला ज्ञान, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा स्थान है, और यहाँ पर जो है तो बच्चों का पढ़ने के लिए मिलेगा, और बच्चे पढ़ें उन बुक्स को, और उन्हें आगे वो भी बच्चे भी बढ़ें, तो मुझे उससे बड़ी खुशी होगी, इसलिए वो बुक्स मैंने जो है तो इस संस्थान को, इस लाइब्रेरी को दी। हम लोग एक्चुअली, मैं रेजोनेंस कोचिंग चलाता हूँ यहाँ पर, और वहाँ से कुछ मेरा एक ड्रीम था कि लाइब्रेरी मुरादाबाद में बहुत अच्छी होनी चाहिए, हालांकि उस ड्रीम को पूरा किया है वीसी साहब ने यहाँ पर। तो वीसी साहब मतलब शैलेश कुमार जी, उन्होंने वो सारा कुछ यहाँ पर करने की कोशिश किया है, जो शायद कुछ भी कोई अधिकारी सोचने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने बहुत अच्छी लाइब्रेरी, नीचे कंप्यूटर लैब, और इस तरह से बना के तैयार किया कि बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी वो दे रहे हैं। तो एक तरह से वो मतलब इस चीज के लिए इतना बड़ा काम किया है उन्होंने, तो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं वो इस चीज के लिए, और मुरादाबाद हमेशा उनका ऋणी रहेगा इस चीज के लिए वीसी साहब का, क्योंकि वीसी साहब ने इतना बड़ा काम करके इतनी सुंदर लाइब्रेरी, और मैं समझता हूँ कि बच्चों को इसका कितना बड़ा बेनिफिट्स है, ये सारी चीजें, बहुत सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती हैं, बच्चे लोग ढूंढते रहते हैं उधर कहीं ना कहीं, वो सारी बुक्स अप्रोक्सीमेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से यहाँ पर बहुत सारी बुक्स आ जाए यहाँ पर। और आप हैं हरीश अरोड़ा जी, जो आज यहाँ पर बहुत सारी 250 के लगभग बुक्स अपने बेटे की याद में यहाँ पर डोनेट किए उन्होंने, क्योंकि इनका बेटा खुद पीएचडी कर रहा था, और बाय चांस की बात 2018 में किसी कारणवश ऐसा 19 में
किसी कारणवश वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सारी बुक्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, CACS, उन्होंने MSc, PhD ये सब करते समय जो भी बुक्स स्टार्टिंग से लास्ट तक अब तक हमारे पास थी, इनके पास थी, वो सब लेकर आए हैं, वो सब यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ड्रीम है कि इन बुक्स से मेरा बेटा जितना अच्छे से तैयारी कर पाया है, वो बहुत सारे बच्चे इस तरह से इसका लाभान्वित हों इस चीज़ से। तो थैंक यू सो मच। देखिए, जैसा आपको विदित है, मैंने प्राधिकरण में एक 3,000 किताबों की लाइब्रेरी की स्थापना की है, और ये लाइब्रेरी सभी छात्र छात्राओं, जनरल पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इस लाइब्रेरी में हम लोगों ने पहले से भी काफ़ी पुस्तकें अरेंज कर ली हैं, और इसके अलावा जो है लगातार जो शहर के समाज सेवीगण हैं, शहर के समाज नागरिकगण हैं, उनके द्वारा संपर्क करके किताबें भी डोनेट लगातार की जा रही हैं। आज हमारे बीच में हरीश अरोड़ा साहब आए हुए हैं, इनके द्वारा अपने इनके दिवंगत पुत्र हैं उनकी याद में करीब 250 किताबें यहाँ पर डोनेट की हैं, और इन्होंने ये कामना की है कि ये किताबें जो हैं गरीब बच्चों के काम आ सकें, और इसके लिए जो है लगातार बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हमारे बीच में प्रदीप पाशने जी भी आए हैं, तो यहाँ पर एक शैक्षणिक संस्थान भी चलाते हैं, उनके द्वारा भी जो है करीब 200 किताबें इस लाइब्रेरी को डोनेट की गई हैं। हम इन दोनों का धन्यवाद भी देते हैं, और शहरवासियों से अपील करते हैं कि इस लाइब्रेरी का यूज करने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को और युवाओं को प्रेरित करें, और ये लाइब्रेरी जो है धीरे धीरे करके हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि 24 घंटे ओपन रहे, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले बच्चे अगर यहाँ आकर के पढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम एक अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे, और जिस भी तरह की किताबें वो लोग डिमांड करेंगे, उस तरह की किताबें भी हम लोग जो है ला करके यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।